महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। तब राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने क्रोध में आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग विनाशक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें संसार के हजारों लाखों सांपों की आहुति दे दी गई। धरती के सभी सांप यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। जब तक्षक नाग की आहुति दी जाने लगी तो वह अग्नि में गिरने के डर से इंद्रदेव का सिंहासन जकड़कर बैठ गया, लेकिन यज्ञ का प्रभाव तक्षक नाग को इंद्र के सिंहासन सहित खींचने लगा। तब वासुकी नाग ने सर्पों की देवी मनसा से मदद की याचना की। मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रोकने के लिए भेजा, जिन्होंने जन्मजय को समझाकर यज्ञ को रुकवाया। इससे प्रसन्न होकर वासुकी नाग ने आस्तिक को यह वरदान दिया कि तुमने सांपों का अस्तित्व बचाया है, इसलिए तुम्हारा नाम लेने वालों को कभी सांपों का भय नहीं रहेगा। तभी से मनसा देवी के पुत्र आस्तिक का नाम लेने से सर्प भय दूर हो जाता है।